नमस्कार। इरोजिव गैस्ट्राइटिस पार्ट वन और पार्ट टू में हमने इरोजिव गैस्ट्राइटिस की बेसिक जानकारी, क्या होती है इरोजिव गैस्ट्राइटिस, कैसे हो जाती है, कारण क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या लक्षण देती है और उसके टाइप्स कौन से हैं, साथ में उसके बचाव के लिए आपको क्या क्या परहेज करने हैं, अगर बीमारी आपको हो गई है तो बीमारी के लक्षणों में एकदम से आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए इसके लिए किन किन चीजों से आपको परहेज करने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हमने पार्ट वन और पार्ट टू इरोजिव गैस्ट्राइटिस में कवर करी है। अब हम आज पार्ट थ्री इरोजिव गैस्ट्राइटिस में इस इरोजिव गैस्ट्राइटिस को किस तरीके से पूरे तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हैं, उसके लिए डाइट थेरेपी क्या रखी जाए सवेरे से लेकर शाम तक की, एक्सरसाइजेज में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, प्राणायाम कौन से करने हैं और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज कौन सा इस इरोजिव गैस्ट्राइटिस में इरोजन्स को हील कराने में आपकी मदद करेगा और साथ में जीवन शैली में आपको कौन से परिवर्तन करने हैं, आपको पूरी दिनचर्या किस तरीके से हैंडल करनी है, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए आपकी और ऋतुचर्या के हिसाब से कौन से नियम आपको ऋतुओं के हिसाब से बदल लेने हैं, ये चारों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में बताएंगे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस बनाए जाएं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें। तो इरोजिव गैस्ट्राइटिस मैनेजमेंट, हम सीधे सीधे चलेंगे इरोजिव गैस्ट्राइटिस मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट या फिर हम इसको ट्रीटमेंट ही लिखते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि मैनेज तो कर ही लेते हैं, ट्रीटमेंट बताओ, तो ये ट्रीटमेंट ही होगा। तो इरोजिव गैस्ट्राइटिस का पूरा ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, हम चार चीजों में इसको विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर रखेंगे हम डाइट थेरेपी, क्योंकि डाइट फिर लास्ट में रह जाती है, डाइट थेरेपी। दूसरे नंबर पर हम रखेंगे एक्सरसाइजेस और तीसरे नंबर पर हम रखेंगे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स। नेचुरोपैथी में कुछ बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं जो इस गैस्ट्राइटिस को हील कराने में आपकी बहुत अच्छी मदद करते हैं। और चौथे नंबर पर लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं ये पूरा का पूरा हम चारों चीजों में अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहली डाइट थेरेपी, इरोजिव गैस्ट्राइटिस को ठीक करने के लिए डाइट थेरेपी में सवेरे सवेरे से आप सबसे पहला जो है वो चालू कर लेंगे। हम यहां से चालू करते हैं लाइफस्टाइल, क्योंकि सवेरे हमें जगते ही सबसे पहले लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। तो पहली चीज है सवेरे जल्दी जाग जाना। अगर आप सवेरे जल्दी जाग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। दूसरे नंबर पर जागते ही आपको कितना पानी पीना है ये डाइट में आ जाएगा, आपको कम से कम 3 ग्लास सादा पानी पीना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे, इसको मार्क कर लीजिए। पानी कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, मटके का पानी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब चूंकि मौसम में ठंडक आ गई है, ठंडक के मौसम में मटके का पानी नुकसान कर सकता है, इसलिए ये पानी आप कांच के बर्तन का या फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रख करके ले लेंगे। अब ये 3 ग्लास पानी है, सवेरे सवेरे 3 ग्लास पानी पिया, इरोजन है, गर्मी है पेट में, बहुत एसिड अगर होगा तो वो सारा का सारा वॉश ऑफ होना चालू हो जाएगा। ये अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सादा ज्यादा मात्रा में सवेरे सवेरे पानी अग्नि को घटा देता है, मंद कर देता है, तो वो उनको ये देखना पड़ेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही वहां उस समय अग्नि ज्यादा नहीं होती है। अग्नि कब होती है, जब सूर्य उदय हो जाता है तब शरीर में फिर अग्नि बढ़ना चालू हो जाती है। तो सूर्योदय के पहले आपको जागना है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, जागना नहीं है उठ जाना है, क्योंकि जाग तो बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन फिर लेटे रहते हैं, तो वो लेटना नहीं, आप ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, उठते ही उषापान करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फायदा है, उषापान का क्या फायदा है, अलग अलग वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, उषापान बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, क्यों इतना पानी पीना चाहिए, कैसे ये पानी काम करता है, पूरा समझ सकते हैं। तो पानी पिया, पानी पीने के बाद अब आप एक चीज देखते हैं कि कभी कभी आपने एंडोस्कोपी कराई है, एंडोस्कोपी में इरोजिव गैस्ट्राइटिस के साथ में हर्निया आया, हाइटल हर्निया। अब आप हाइटल हर्निया में जैसे आपने ज्यादा पानी पी लिया, पेट एकदम से फूल जाता है, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आना चालू हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की ओर उठा लिया ऐसे,
और ऐसे करके जोर से ऊपर की तरफ खींच करके, ताकि आपका पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इस तरीके से पुल हो जाए ऊपर की तरफ, और फिर आप थोड़ा सा अगर कर सकें तो एड़ियों पर खड़े होने के बाद फिर आप थोड़ा सा इस तरीके से चल लीजिए। अगर आप 2-5 मिनट भी चलेंगे तो ये पानी आपका ऊपर की तरफ आकर के वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट नहीं करेगा, आपका ये पानी नीचे की तरफ जाना चालू हो जाएगा, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इससे बढ़ जाएगा, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव प्रोसेस रहेगा। अब आपने 10 मिनट रुक करके फिर आप मोशन के लिए गए। अब ये एक तो यहां लाइफस्टाइल में जल्दी जागना था, जल्दी जागने के बाद में पानी पी करके ही मोशन जाना, ये लाइफस्टाइल है। पानी पीकर मोशन जाए, पानी पीकर कितनी देर के बाद, 10 मिनट के बाद मोशन जाएंगे। अब मोशन गए, मोशन के बाद मंजन कर लिया, ये लाइफस्टाइल है, मंजन कर लिया। मंजन करने के बाद फिर लाइफस्टाइल में आप ऐड करोगे ये ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग बहुत अच्छी प्रोसेस है, इस ऑयल पुलिंग को लाइफस्टाइल करेक्टर माना जाता है। एक तरीके से ये ऑयल पुलिंग आपके गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को इंड्यूस कराने का भी काम करती है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिव करने का काम करती है, और ओरल हाइजीन के लिए ये बहुत अच्छी है। जिन लोगों की नाक बंद रहती है, मुंह से सांस भरते हैं, गले में हमेशा कांटे जैसे चुभते रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जिनको डेंटल कैविटीज हैं, दांतों में कोई खराबी आ रही है, इंटरडेंटल स्पेस बढ़ने की वजह से बीच में खाना फंस जाता है, सड़ता है, डेंटल कैविटीज हो रही हैं, उस केस में भी ये बहुत इफेक्टिव है। तो आप ये कर लीजिए ऑयल पुलिंग बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा देख लीजिए किस तरीके से करते हैं, क्या बेनिफिट है, डिटेल में समझ के आप इसको फॉलोअप पर ले सकते हैं। इसके बाद में आप फिर गरारे करेंगे, ये गरारे भी बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है। गरारे के बाद में फिर आप करेंगे नश्य, और नश्य करने के बाद अब आपको डाइट में पहली चीज दूसरी, अब ये तो पहले तो ये हो गया था पानी, अब नश्य करने के बाद डाइट में आप लेंगे सौंफ पानी। क्योंकि अगर गैस्ट्राइटिस अकेली होती तो आप आंवला और मिश्री का पानी ले सकते थे, लेकिन इरोसिव गैस्ट्राइटिस में कभी कभी आंवला भी नुकसान कर सकता है, आंवला भी कटाव करने का काम कर सकता है। तो आप इरोसिव गैस्ट्राइटिस के केस में सौंफ पानी ले लीजिए, या फिर अगर आप एक दिन आंवला और मिश्री लेके देखिए, बहुत इफेक्टिव फायदा होता है। आंवला इतना बढ़िया फायदा करता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को आंवले से थोड़ा सा पेट में एकदम से जलन लग सकती है, और उसमें उस केस में ये ध्यान रखना है कि ये पूरा प्रोसेस जो है इरोसिव गैस्ट्राइटिस के केस में कम से कम आपका 1 महीने से 1.5 महीने भर का फॉलोअप है, 3 महीने में आपकी इरोसिव गैस्ट्राइटिस पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन आंवला मिश्री आप अगर लेते हैं तो 7 दिन मैक्सिमम 14 दिन, और भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा है तो 21 दिन से ज्यादा आंवला मिश्री नहीं लेंगे। तो हम आइदर सौंफ और मिश्री, और अगर आपको आंवला मिश्री कहीं सूट कर रहा है तो बहुत इफेक्टिव आराम हो जाएगा अगर आप आंवला मिश्री इस जगह पर लेते हैं तो। तो ये ले लिया। इसके बाद में अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। तो एक्सरसाइजेस में आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, आंवला मिश्री हमने ले लिया, आंवला मिश्री के बाद अब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में सुबह की एक्सरसाइज और शाम की एक्सरसाइज। तो सवेरे की एक्सरसाइज में आप खुली हवा में टहलना कर लीजिए, खुली हवा में टहलना। अगर खुली हवा में आप टहल पाए तो कितना टहलना है, कम से कम 40 मिनट और संभव हो जाए तो 50 मिनट, कम से कम 4 किलोमीटर और संभव हो जाए तो 5 किलोमीटर। ये टहल लिया। टहलने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, और इसके साथ में फिर आपको भ्रामरी प्राणायाम कर लेना है। ये आपको आपके ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव बनाने का, ब्रेन को थोड़ा सा सेडेट करने का काम करेगा, एक्टिव भी करेगा सेडेट भी करेगा। अब एक्टिव किस तरीके से करेगा कि आपके ब्रेन में एकदम से जो एकदम डलनेस आ रही थी वो अलर्टनेस आ जाएगी, और सेडेट मतलब जो आपके एकदम से एक ओवर एक्टिव हो रहा था ब्रेन, या फिर आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जा रहा था, तो उसमें भी ये माइल्ड इस तरीके से ब्रेन पर वाइब्रेशन का फीलिंग होता है इसमें भ्रामरी में, तो वो आपके ब्रेन को एकदम से कामेटिव इफेक्ट देता है। सजेशन नहीं, बेसिकली कामेटिव इफेक्ट बोलना चाहिए, कि ये आपके ब्रेन को बहुत अच्छा करने का काम करेगा। तो आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद शवासन करेंगे, और अब इसके बाद शाम का जो योगा है, शाम के योगा में अगर आप योग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर शाम को भी आप टहल लीजिए। लेकिन ये सवेरे और शाम का जो टहलना है,
इस टहलने में कोशिश करिए मुंह में पानी भर के टहला जाए। अब मुंह में पानी भरकर अगर टहलते हैं उसका क्या फायदा होता है? उसका बहुत बड़ा फायदा है। आप एक तो मुंह से बोलते नहीं हैं, दूसरा मुंह से सांस नहीं भरते हैं। जब आप मुंह से सांस नहीं भर रहे, मुंह से बोल नहीं रहे, आपका पिन पॉइंटेड कंसंट्रेशन जो है वो केवल ट्रैक पर होता है, वॉक करने पर होता है। उससे आपके वॉक करने का फायदा बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो ये आपका सवेरे शाम की एक्सरसाइजेस का रूटीन रहेगा। अब सवेरे की एक्सरसाइजेस करने के बाद, ये वाली एक्सरसाइजेस करने के बाद, अब आपको डाइट में फिर से क्या लेना है? इरोजिव गैस्ट्राइटिस है, इरोजन को भी ठीक करना है। एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मैस्टिक गम। मैस्टिक गम को गम ऑफ गॉड भी बोला जाता है, देवताओं की च्युइंगम। तो देवताओं की च्युइंगम ये जो है, ये मैस्टिक गम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि मैस्टिक गम क्या काम करती है, किस तरीके से ली जा सकती है और आपको कहां से अवेलेबल हो सकती है, तो वो पूरा है, उसको देख लेंगे। तो मैस्टिक गम आप एक चौथाई चम्मच से आधा चम्मच मैस्टिक गम अगर क्रिस्टल फॉर्म में आई है तो, और अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिल रही है तो आप उसको बिल्कुल ठंडे से पानी में, सादे से पानी में घोल करके पी जाइए। तो एक तो वो अगर चबाना हो जाए तो मैस्टिक गम की आपको च्युइंगम जैसी टैबलेट भी मिल जाएंगी, तो आप उसको चबा सकते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और इरोजन को हील कराने में आपकी बहुत अच्छी मदद करती है। तो ये हो जाएगी। इसके अलावा आप ये ले लिया आपने, इसके साथ में फिर गोंद कतीरा प्लस मिश्री। तो गोंद कतीरा कितना? मैक्सिमम आधा चम्मच आप एक ग्लास, कांच के ग्लास में रात को भिगो के रख दीजिए। ये लगभग लगभग आधा ग्लास हो जाएगा, जो आधा चम्मच था वो फूलेगा। गोंद कतीरा बहुत फूलता है, पंसारी पे कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये जब फूल जाए सवेरे सवेरे तो इसमें एक चम्मच मिश्री मिला करके चला करके आप खा लीजिए। तो ये सवेरे का हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर मुनक्के और अंजीर खाएंगे। तो मुनक्के, अंजीर, अंजीर आपके पेट को एक बार साफ कराने में मदद करेंगे। तो एक अंजीर हो गया, सात मुनक्के हो गए, और अभी तो चूंकि सर्दियां भी आ रही हैं तो आप चार खजूर जो आते हैं ना, पिंड खजूर, वो रात को भिगो दो सबको मिला करके, और इसको आप गोंद कतीरा लेने के 10 मिनट के बाद या फिर गोंद कतीरा के साथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये आपने ले लिया। इसको लेने के बाद अब अपन फ्री हैं। इसके बाद में फिर 9 बजे के आसपास आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और 9 बजे के आसपास जो ब्रेकफास्ट होगा, जिसको नाश्ता या अल्पाहार बोला जाता है, अल्पाहार का मतलब होता है अल्प मात्रा में आहार, स्वल्पाहार जो जल्दी पच जाए ऐसा आहार, तो आपको वो आहार लेना है। अब उस आहार में अगर संभव हो जाए तो आप या तो वेजिटेबल खिचड़ी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ताजा दही डाल लीजिए, वो आपका प्रोबायोटिक का भी काम कर देगा। और वेजिटेबल खिचड़ी जो है उसमें आपको विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सारी चीजें मिल जाएंगी। और वेजिटेबल खिचड़ी को बिल्कुल खुले में उबालना है खूब सारी सब्जियां डाल करके, तो ये आपका अल्पाहार हो जाएगा। अगर आपको बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, खाना बिल्कुल भी नहीं पच रहा है, तो यही वेजिटेबल खिचड़ी आप एक कटोरी के आसपास, एक कटोरे के आसपास, जो मीडियम साइज का बाउल होता है उसमें आप, या फिर टिफिन में, आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस ले जाएं, घर में है तो घर में इसका उपयोग कर लें, वही आप लंच में ले सकते हैं। लेकिन 9 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, तो 12 बजे आप लंच कर लो, और 12 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में 2 से 3 बार कुछ कुछ आइदर लिक्विड, और अगर भूख लग रही है तो सॉलिड। सॉलिड में आप फल ले सकते हैं, लिक्विड में आप सौंफ पानी ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। तो ये आपका शाम तक का हो जाएगा। और शाम का जो आपका डिनर का टाइम है वो 7 बजे से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। और शाम के डिनर में आप मोटे आटे की या तो चपाती ले सकते हैं, या शाम को भी आप वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी ले सकते हैं। तो ये आपका वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी। अगर आपको ऐसा लगे कि हम तीनों टाइम तो नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि ब्रेकफास्ट में आप वेजिटेबल दलिया या खिचड़ी ले लो। अब वेजिटेबल खिचड़ी ही ब्रेकफास्ट में लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम के समय जो डिनर का टाइम है उसमें वेजिटेबल दलिया ले लो, क्योंकि आपके पाचन की क्षमता गड़बड़ है, पच नहीं रहा है खाना। ऐसे समय में सुपाच्य खाना खाएं, लेकिन पेट को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर पेट खाली छोड़ दिया तो इरोजन आपके और ज्यादा एसिड के कांटेक्ट में आ करके बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। दोपहर का खाना आप प्रॉपर खा सकते हो, जिसमें रोटी हो, सब्जी की मात्रा ज्यादा हो, और सब्जी में लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, कद्दू, ये वाली सब्जियां, गाजर आ जाएगी अभी तो, गाजर, ये सब्जियों का उपयोग हो। इसमें मिर्च, मसाले, चिकनाई,
कम से कम उपयोग में ली जाए और खुले में सब्जी को अच्छे तरीके से उबाला जाए और उस खाने को आपको बहुत चबा करके खाना है। यह आपका सवेरे से लेकर शाम तक का खाना है। आप दिन में दो बार सौंफ मिश्री के साथ ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ज्यादा मिश्री आपको सूट नहीं कर रही है तो फिर आप कम मिश्री डाल सकते हैं या फिर बिना मिश्री के भी सौंफ का पानी ले सकते हैं। मैस्टिक गम आपने एक बार सवेरे लिया था, आप एक बार मैस्टिक गम 4 बजे के आसपास एक च्युइंग गम अगर है तो वो ले ली, या फिर आप आधा चम्मच के आसपास मैस्टिक गम का जो ग्रेन्यूल्स आएंगे उनको चबा लीजिए, अच्छे तरीके से उसका रस अंदर जाता जाएगा तो वो रस जो है वो आपके इरोजिव एरिया पर लग करके वो आपके फूड कंटेंट जो है उस और आपके जो आपकी लेयर है म्यूकोसल लेयर उसके बीच में एक साइटोप्रोटेक्टिव लेयर जनरेट कर देती है ये, इसलिए ये इरोजन को हील कराने में आपकी मदद करेगी। अब इसी के जैसा एक प्रोडक्ट होता है जो मॉडर्न साइंस में दिया जा रहा है इरोजिव गैस्ट्राइटिस या अल्सर के केस में, सुक्रालफेट। तो सुक्रालफेट भी डेफिनेटली ठीक वही काम करता है जो अपना मैस्टिक गम काम कर रही है, तो सुक्रालफेट का यूज भी आप कर सकते हैं। जब भी आप कुछ खाएंगे या पिएंगे ऐसे समय में आप पहले सुक्रालफेट ले लीजिए। अगर आप खान हर बार कुछ पी रहे हैं तब नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, आप खाने के पहले ले लीजिए। पानी ले रहे हैं या नारियल पानी ले रहे हैं या आप कोई लिक्विड चीज ले रहे हैं, अगर उसके पहले नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर अगर आप 5-5 ml सुक्रालफेट ले लेंगे तो वो बहुत इफेक्टिवली, यहां ये वाली बात नहीं है कि कंप्लीटली नेचुरल, कोई बात नहीं, आप सुक्रालफेट का यूज करिए। सुक्रालफेट आपको क्या करेगी कि वो अल्सर कि कहीं अल्सर हुआ है, जैसे यहां पर कोई अल्सर हुआ है, अब आप इस पे डायरेक्ट नमक डालोगे तो क्या होगा, अल्सर जलेगा। अब आप नमक डायरेक्ट नहीं डाल रहे, आप क्या कर रहे हो, एक इस तरीके से पॉलिथीन की लेयर आपने ऐसे करके डाल दी और उसके ऊपर से आप खूब नमक भर दो, फिर क्या, फिर नुकसान नहीं होगा ना। तो सुक्रालफेट का यही काम है। तो ये हमने वीडियो एक बना रखा है, वो हम अपलोड कर देंगे कि इरोजिव गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर्स के केस में अगर आप सुक्रालफेट ले रहे हैं, आपको पेट में बहुत जलन होती है, तो सुक्रालफेट किस तरीके से आपके काम आती है, क्यों आपके लिए जरूरी है, वो हमने बना रखा है। तो आप ये मैस्टिक गम, और अगर आपको ऐसा लगे कि सुक्रालफेट लेने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो आप सुक्रालफेट को भी कंटिन्यू कर लेंगे मॉर्निंग इवनिंग आप, क्योंकि आप मैस्टिक गम तो सवेरे सवेरे बिना कुछ खाए ले रहे हैं और एक बार 4 बजे के आसपास ले रहे हैं, सुक्रालफेट आपको बिफोर मील्स, आपको जस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट, जस्ट बिफोर लंच एंड जस्ट बिफोर डिनर आपको लेनी होगी, तो वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। तो ये आपकी एक्सरसाइजेज, ये पूरी डाइट हो गई, सवेरे सवेरे का ये रूटीन था। अब हम देखेंगे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और शाम को आपको किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में सबसे पहला बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है मिट्टी की पट्टी। अगर आप मिट्टी की पट्टी को दिन में 2 बार कर पाए, अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि साहब पूरे दिन अगर हम यही करेंगे तो फिर काम कब करेंगे, तो जिनको इरोजिव गैस्ट्राइटिस है उनको बहुत दिक्कतें हैं, लोग घर पे काम छोड़ छोड़ करके बैठे हुए हैं, इसलिए ये बात थोड़ा सा तब करी जा सकती है कि जब अपन थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक आपको बहुत दिक्कत है, जब तक आप घर में भी रहते रहते बहुत परेशान है, मेरे पास कई फोन आते हैं, कई लोग हमारे पास आगे भर्ती होते हैं कि साहब हम तो काम वाम छोड़ के आ जाएंगे, आप तो बता दो कितने दिन रहना है। तो ऐसे केस में अगर आप 2 बार मिट्टी की पट्टी घर में रहते हुए कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी की पट्टी तो घर में पॉसिबल नहीं है, तो पेट पर गीली तौलिया ठंडे पानी में भिगो करके, गीली तौलिया मोटी बाथरूम टॉवल जो आती है, इसको आप 20-20 मिनट के लिए दिन में 2 बार रख सकते हैं, अच्छा रहेगा। या फिर जो आइस पैक आता है वो आप थोड़ी देर फ्रीजर में रख के ठंडा करके, पहले गीली तौलिया रख दी और उसके ऊपर से आइस पैक रख लो, तो ये आपको लगभग 20 मिनट तक कंटिन्यूअस कूलिंग सेंसेशन देता रहेगा, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। इसके अलावा आपके लिए जो एक ट्रीटमेंट और होता है वो है ठंडा कटी स्नान। अगर आप ठंडा कटी स्नान इरोजिव गैस्ट्राइटिस के केस में करेंगे तो ठंडे कटी स्नान का हिप बाथ बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि ठंडा कटी स्नान आप घर में किस तरीके से कर सकते हैं। टब अगर नहीं है तो बाथरूम टब, जो प्लास्टिक के गोल टब आते हैं, उनमें आप बैठ सकते हैं अगर आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं हो तो। और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि इरोजिव गैस्ट्राइटिस में वजन एकदम से गिरना चालू होता है, लोगों का वजन 30-30, 40-40 किलो तक गिर जाता है कि साहब 75 था अब 40 रह गया, तो 35 किलो वजन गिर गया, ऐसी स्थिति कई लोगों के साथ हो रही है। तो आप ठंडे कटी स्नान का यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। साथ में हमने नस्य तो ये ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल में ले लिया था,
यहाँ रात को सोने के पहले हल्का सा सौम्य सा बिल्कुल गुनगुना सा सुसुम सा पानी लेकर के बाल्टी में भर के इसमें पैर डाल के बैठना है 10 मिनट के लिए, और इसके बाद रात को भी सोने के पहले नस्य नाक में गाय का घी करेंगे और रात को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे ताकि सवेरे सवेरे हम जल्दी जागना चालू हो जाएं। ये कंप्लीट साइकिल है। अगर इस साइकिल को प्रॉपर तरीके से आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके इसके रख लीजिए, सारी चीजें समझ समझ करके आप अपनी राइटिंग में आप अपने तरीके से कौन सी चीज को कैसे कब करना है नोट्स बना के रखिए और फिर इसका फॉलोअप अच्छे तरीके से करिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि इरोजिव गैस्ट्राइटिस में आपको बहुत अच्छा आराम होना चालू हो गया है। कुछ विशेष जो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं उसमें आप, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। सबसे पहला जो चेंज है वो रहेगा कि खाने को पिए, ये आप देख लेना ये आ रहा है नहीं आ रहा, खाने को पिए। अगर खाने को पिए ये चालू कर दिया, खाने को पिए मतलब कम से कम 60 बार चबा के खाना। अब जैसे ही 60 बार का नाम आता है लोग कहते हैं पूरे दिन खाएंगे क्या, तो पूरे दिन नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी। आप 60 बार चबाने ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लग रहे हैं। अब आप कितने ग्रास खाते हो, बहुत ही खाते हो गए तो 40 ग्रास खाते हो गए। अब 40 ग्रास खा रहे हो, 1 ग्रास को खाने में 30 सेकंड लग रहे हैं तो 20 मिनट खाना खाने में लगे। अगर 20 मिनट आप यहाँ खाना खा लोगे तो सवेरे सवेरे जो ये मोशन का टाइम है इस मोशन में आपको जो घंटा भर लगता है वो केवल 10 मिनट में मोशन साफ होना चालू हो जाएगा। 10 मिनट भी ज्यादा कह दिया, 5 मिनट में ही साफ होना चालू हो जाएगा। तो आप देखो 1 घंटा लग रहा था, यहां आप 10 मिनट तो खाना खाने में देते ही होगे, तो यहां आपने 10 मिनट बढ़ाए और यहां आपने 50 मिनट कमा लिए, तो फायदे की सौदा है ना। तो और डेफिनेटली ये होगा कि आप यहां ज्यादा टाइम लगाओगे यहां अपने आप कम टाइम लगना चालू हो जाएगा। अगर आप यहां कम टाइम लगाओगे तो यहां ज्यादा टाइम भी लगेगा और पूरा बवाल भी होता रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत फायदा होगा। खाने को चबा के खाएं, पानी को धीरे धीरे चाय की तरह सिप कर करके पिएं। इसके अलावा आप खाना खाते समय बातचीत ना करें, मोबाइल नहीं देखें, न्यूज़पेपर नहीं देखें, इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे धीरे धीरे करके ये समस्या आपकी पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।